सबको जय यीशु। आज हम लोग पुष्पा चर्च में आए हैं, सेंट टेरेसा चर्च ऑफ चाइल्ड जीसस। ये दिल्ली का वन ऑफ द बिगेस्ट चर्चेस है और यहाँ पे हम लोग आए। आज काफ़ी अच्छा दिन है हमारे लिए, आज बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे और हम लोग बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। दो तीन दिन से शूट करने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, लेकिन बारिश की वजह से हम कर नहीं पा रहे थे। हम यहाँ मिलने आए फादर एलन गोम्स को। फादर एलन गोम्स एक न्यूली ऑर्डेन्ड प्रीस्ट हैं दिल्ली डायसिस में, वेरी यंग प्रीस्ट एंड वेरी डायनामिक प्रीस्ट। बहुत अच्छी बात उनके बारे में यह है कि ही वॉज अ ग्राफिक डिजाइनर, प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर एंड अ 3D आर्टिस्ट। करीब 4-4.5 साल उन्होंने कॉर्पोरेट में काम किया है, उसके बाद उन्होंने एक कॉल एक्सेप्ट किया प्रभु का एंड ही बिकम अ प्रीस्ट। सो आज बहुत अच्छा एक मौका है उनसे बात करने का, थोड़ा उनसे जानने का। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, वी विल मीट प्रीस्ट एंड उनके बारे में हम जानेंगे उनसे कि वो कैसे प्रीस्ट बने, क्यों बने, तो जानते हैं उनके बारे में। तो चलिए फादर से मिलते हैं, फादर एलन गोम से। फादर जी जय यीशु। ये हमारे फादर जी हैं, नए फादर जी हमारे पल्ली के। फादर जी आपसे मिलने का बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपसे पूछना चाह रहे थे कि फादर जी जैसे आपने जो एक्सेप्ट किया प्रभु कॉल, थोड़ा अपने बारे में बताएं, अपने फैमिली के बारे में, आपके परिवार के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा इस मौके के लिए, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे ये मौका मिला जहाँ पर मैं अपने बुलाहट के बारे में लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो परिवार में माता पिता के साथ मेरे दो भाई हैं, बड़े भैया हैं और एक छोटा भाई है, और दोनों ही कंप्यूटर ग्रेजुएट्स हैं। ओके। बड़े भैया ने MCA किया हुआ है। अच्छा, ओके, नाइस। और छोटा भाई जो है वो BCA ग्रेजुएट है। ओ, वेरी नाइस। और मैं जैसा कि आपने बताया BCOM ग्रेजुएट के साथ साथ मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की पढ़ाई करी डॉन बॉस्को टेक्निकल इंस्टीट्यूट ओखला से। ओके, नाइस। और फिर 4 साल मैंने काम किया जैसा आपने बताया। तो पुरोहित बनने का सपना बचपन से ही था। ओ, नाइस। जब मैं 7 साल का था तो पहली बार मैंने मेरे पल्ली में जो पुरोहित मिसा के लिए आते थे उनको मैंने बताया था कि मैं पुरोहित बनना चाहता हूँ, और फिर वहाँ से मेरी पूरी जो यात्रा है शुरू हुई। इतना आसान नहीं था क्योंकि बचपन में लगता था कि बनना है, लेकिन डर भी लगता था, पता नहीं बन पाऊँगा नहीं बन पाऊँगा, तो ये हमेशा रहता था। और अभी भी मतलब काफ़ी अच्छा लगता है कि एक सपना जो मेरा बचपन से था वो ईश्वर ने अभी जाके मेरा पूरा किया, तो खुशी होती है। और साथ ही साथ मैं थोड़ा आश्चर्यचकित भी होता हूँ कि कैसे दुनिया में रहकर और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डूबा हुआ था संसारिक चीज़ों में, और फिर ईश्वर ने मुझे चुना अपने कार्य के लिए, और आज मैं उनका एक पुरोहित बनकर उनकी सेवा कर रहा हूँ। ये बहुत खुशी की बात है। मेरी यात्रा काफ़ी लंबी रही क्योंकि 7 साल से लेकर फिर जब मैंने अपनी स्कूलिंग करी तब तक ऐसा था कि बनना है नहीं बनना है, बनना है नहीं बनना है। स्कूलिंग कहाँ से की? स्कूलिंग मेरी दिल्ली में था, दिल्ली में ही हुई है। तो मेरा 10th तक की पढ़ाई मैंने जंगपुरा भोगल में दिल्ली इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल से किया था। ओके। फिर +1 +2 मैंने दिल्ली कनाडा स्कूल लोधी रोड वाले से, और फिर BCOM की पढ़ाई मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया था। ओके ओके, और ग्रेजुएशन से पहले ही मैंने अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लिया था ये डॉन बॉस्को से। okay, nice. और फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब और साथ साथ में ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी nice. होती रही। तो उससे पहले भी बचपन से ही मतलब कुछ पुरोहितगण और सिस्टरगण हमेशा पूछते थे, लेकिन ऐसा हुआ कि कभी भी वो मैं नहीं होता था, हमेशा बड़े भैया के लिए मतलब लोग पहले बोलते थे क्योंकि okay, वो अच्छा, ऐसा, okay. वो ज़्यादा धार्मिक अच्छा, और वैसे लगते थे। तो आपको फैमिली भी पूरा स्पिरिचुअल है? हाँ, मम्मी काफ़ी है, मम्मी पापा है लेकिन मम्मी थोड़ी ज़्यादा है। ओके ओके ओके। तो उनसे ही मतलब ज़्यादा कुछ प्रेयर वगैरह और डिवोशन वो सारी चीज़ें सीखने को मिली। ऑल्टर सर्वर, हाँ, बचपन से मैं ऑल्टर सर्वर था, मेरे से पहले भैया थे तो भैया के साथ ही बना करता था। ओके ओके ओके। और फिर धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती रही। तो एक बार हम लोग ऐसी मतलब जैसे बात करते हैं बचपन में, तो तब मैंने बोला था कि हम दोनों प्रीस्ट बनेंगे। अच्छा। तो वैसे मतलब पूरा चीज़ स्टार्ट हुआ। फिर वो जैसे हम बढ़ते रहे तो धीरे धीरे चीज़ें बदलती गईं। फिर जाके मैंने ये सोचा चलो मतलब एकदम से तो नहीं था, फिर प्रोसेस में ऐसा हुआ कि 10th तक जैसे मैंने 7 साल की उम्र में अपने मतलब मैंने अपनी इच्छा प्रकट की थी। उसके बाद जब मैं आई थिंक 9th या 10th के लगभग होऊंगा, तो जैसे ऑल्टर सर्विंग करता था तो सुबह चर्च संडे को जल्दी जाया करता था। तो एक दिन एक सलीशियन प्रीस्ट ने मुझे देखा। अच्छा। तो उन्होंने मिसा के तुरंत बाद मेरे माता पिता को पूछा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा
okay. कि आपका बेटा जल्दी आता है और ऑल्टर वगैरह सब कुछ तैयार करता है, फिर खुद भी तैयार होता है. तो वहाँ से मतलब वो पहली बार थी जब उन्होंने पूछा कि ये बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है. तो फिर उन्होंने मुझे ले जाकर एक छोटी बाइबल भी दी थी. oh, nice. वो बाइबल अभी भी है मेरे पास. तो वो सेवन्थ क्लास में जो दिया, सेवन्थ क्लास नहीं, सेवन्थ एज में नहीं, नहीं सेवन्थ एज में नहीं, ये लगभग नाइन्थ स्टैंडर्ड टेंथ स्टैंडर्ड के आसपास, 14-15 ईयर्स के आसपास. उससे पहले फिर जो हमारे पैरिश प्रीस्ट थे उनको भी लगता था कि मैं बन सकता हूँ. तो उन्होंने मेरी मम्मी से बात किया था, वो मुझे नहीं पता था, बाद में मुझे मम्मी ने बताया कि ऐसा था कि उनको भी लगता है कि तू बन सकता है. तो उस तरीके से तो काइंड ऑफ इधर सलीशियन प्रीस्ट ने भी पूछा, डायसिशियन प्रीस्ट ने भी पूछा. फिर जब मैं 2013 में शायद संगम विहार आ चुका था, 2012 में हम लोग आ गए थे, बट 2013 में पैस्टरल विजिट के टाइम पे जो पैरिश प्रीस्ट थे, तो ये पैलेटाइन्स हैं, तो उन्होंने भी फिर सेम चीज़ मम्मी पापा से पूछा. तो सेम चीज़ उन्होंने फिर मम्मी पापा से पूछा. तो फादर ने पूछा पापा से कि कुछ मांग सकता हूँ. अरे बाप रे, ओके. तो उन्होंने बोला कि पापा ने बोला हाँ कुछ भी मांगे फादर. तो फादर ने बोला कि यू नो आपका एक बेटा प्रीस्ट बनने के लिए चाहिए हमें. वाओ. तो उस टाइम तक कुछ क्लियर नहीं था. टेंथ में आ गए थे तब? नहीं, ये तो 2013 में तो ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो गया था मेरा. पर उस टाइम पे मैंने फाइनल एग्जाम्स दे दिए थे, रिजल्ट्स नहीं आए थे. तो पूछा फादर ने कि आप क्या कर रहे हो. अच्छा. तो मैंने कहा फादर अभी मैंने ग्रेजुएशन के एग्जाम दिए हैं. तो मुझे लग गया था कि दो तीन बार, ऑलमोस्ट लाइक ये तीसरी बार तीसरा कॉल था, जैसे लाइक वो पीट सैमुअल सैमुअल कॉल था. तो तीन बार हो गया. तो फिर भी मैं श्योर नहीं था कि ये है नहीं है. तो ये माता मरियम का महीना होता है, मई का महीना. मई का महीना, राइट. तो मैं रोज रोजरी के लिए जाया करता था. तो हमेशा मन में ही इसी प्रार्थना के साथ जाता था कि माँ जिस तरीके से तूने ईश्वर को हाँ कहा है, तो अगर मुझे भी ईश्वर बुला रहा है तो मेरी मदद कर ताकि मैं हाँ बोल सकूँ. वेरी नाइस. तो उस तरीके से फिर पूरा प्रोसेस चला. तो उसी दौरान पहले हम सनलाइट कॉलोनी में थे, तो वहाँ कॉलोनी, हाँ, पहले सनलाइट मसीगढ़ का जो उस टाइम पे मिशन स्टेशन था, अभी तो पैरिश बन गया. ओके ओके ओके. तो फादर ने बताया, फादर जूलियन ने बोला, मतलब सडनली क्या हुआ पता नहीं, बट उनको भी ऐसा लगा कि शायद कुछ है इंटरेस्ट मेरे में. तो फिर उन्होंने पूछा, जबकि कुछ टाइम पहले उन्होंने जब मुझसे पूछा था तब मैंने कहा फादर लगता तो है लेकिन मैं डरता हूँ. अच्छा. तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि अगर आई थिंक सब लोग जो है डरते हैं, मतलब यू नो जैसे वो एक कॉल आती है, जैसे मैंने जितने भी पूछा है, सब लोग डरते हैं कि वो चला गया नहीं बन पाया तो क्या होगा. हाँ. वो डर की वजह से काफ़ी लोग जाते ही नहीं है. वो लोग कई बार ये डर रहता है क्योंकि, तो मैंने फादर से बोला फादर मुझे डर लगता है. तो फादर कहते हैं अगर डर लगता है तो बेटर कि ना जाए. ना जाओ. हाँ, दिस इज. तो वैसा था. बट फिर बाद में एक साल बाद मैंने बोला फादर मुझे जाना है. अच्छा. तो फादर ने बोला अच्छी बात है. तो 16 मई को मेरी एक इंटरव्यू थी छोटी. ओके. फादर जय प्रदीप उस टाइम पे रेक्टर थे माइनर सेमिनरी दिल्ली में ना. हाँ. तो वो मसीगढ़ पैरिश आए थे. तो मैंने बोला फादर ठीक है मैं उनसे मिलके फिर फॉर्म ले लूँगा. तो एक घंटे के लगभग इंटरव्यू चला. फिर फॉर्म वगैरह सब करके फिर 3 जुलाई 2013 मैंने माइनर सेमिनरी ज्वाइन कर लिया. वेरी नाइस. तो वहाँ से मेरी पूरी वोकेशन फॉर्मेशन सब कुछ स्टार्ट हुआ. वोकेशन तो खैर बचपन से ही था. हाँ, हाँ, फॉर्मेशन 2013 में शुरू हो गया ऑफिशियली. 2013. सो फादर जी, जैसे आपका जो आपकी अपब्रिंगिंग थी आपकी, सो लाइक विल वॉक दैट साइड बिकॉज थोड़ा सा मौसम साफ हो गया. सो आपकी जो अपब्रिंगिंग थी, स्कूल आपका लाइफ, कॉलेज लाइफ, आपके हॉबीज, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ हमें शेयर करें प्लीज. स्कूल लाइफ मेरा ओवरऑल अच्छा ही था. एज एन एवरेज स्टूडेंट ब्राइट था, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स थे जो मुझे बहुत अच्छे नहीं लगते थे. अच्छा. तो लाइक मैथमेटिक्स मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, बट अभी समझ में आता है कि अच्छा है फॉर आवर लाइफ, मतलब हमारी लाइफ के लिए तो मैथमेटिक्स का काफ़ी यूज़फुल है. लेकिन उस टाइम पे अच्छा नहीं लगता था पढ़ाई के टाइम पे ना. बट ओवरऑल आई यूज़ टू बी एवरेज स्टूडेंट विद ऑब्वियसली, मतलब कुछ टैलेंट्स थे मेरे लाइक सिंगिंग और आर्टिस्टिक का तो था ही था. ओके. कलर वगैरह, कलर कॉम्बिनेशन मेरा काफ़ी अच्छा हुआ करता था बचपन से. अच्छा, right. तो बाद में मुझे पता चला कि क्यों है ऐसा. ओके. बिकॉज वो ग्राफिक्स. हाँ, ग्राफिक्स का. तो मॉम वॉज द फर्स्ट वन एक्चुअली. तो मम्मी को पहले था कि इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है. तो बाद में मुझे पता चला जब एज अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, तो काफ़ी हेल्पफुल था ये. हॉबीज साइकिलिंग है, फिर मुझे फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता था. अच्छा. और फिर बाद में पीसी गेमिंग एंड ऑल. ओके. कंसोल गेमिंग. तो पहले तो खैर वैसा वीडियो गेम होता था. हाँ, नॉर्मल हुआ करता था. फिर वो बाद में भी
टिल आई वॉज वर्किंग ट्राइज टू प्ले एक्सबॉक्स एंड दोस थिंग्स. अच्छा, तो गेमिंग का है, तो दैट इज़ वन ऑफ द हॉबीज, प्लेइंग फुटबॉल वन ऑफ द हॉबीज, एंड साइकिलिंग इज़ वन ऑफ द हॉबीज. और फिर सेमिनरी ज्वाइन करने के बाद रीडिंग भी एक हॉबी बन गया. वेरी नाइस. तो मुझे पहले रीडिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था. ओके ओके. किताबें पढ़ना, तो वो सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें जो लाइक फॉर्मेशन के बाद बदली, लाइक मेरा इंटरेस्ट साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया. ओके. तो मैं साइकोलॉजिकल स्टडीज़ और रिसर्च जो है अपना पर्सनल टाइम पे, इट्स वो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बन गया. उसके बाद फॉर्मेशन के टाइम, लाइक पहले उतना ज़्यादा इतना वो नहीं मालूम था फॉर्मेशन के बारे में, तो फॉर्मेशन के बाद कैनन लॉ में भी काफ़ी रुचि बढ़ी मेरी. कैनन लॉ है, साइकोलॉजी है, और अभी भी कभी कभी टाइम मिलता है तो रीडिंग कर लेता हूँ. okay, और nice. वो तो करता ही, मतलब साइकिलिंग अभी बंद हो गया लेकिन दोबारा शायद फ्यूचर में शुरू हो सकता है. बाकी गेमिंग वगैरह के लिए तो अभी उतना टाइम नहीं मिलता. और कोई हॉबी जो अभी कंटिन्यू चल रहा हो कॉलेज लाइफ से, कुछ नया ऐड हुआ हो? या सिंगिंग है, क्योंकि बाद में सेमिनरी ज्वाइन करने के बाद मुझे शास्त्रीय संगीत सीखने का भी मौका मिला. अच्छा, तो फॉर्मल ट्रेनिंग के वजह से म्यूजिक भी है उसमें, और भी सीखना चाहता हूँ. तो म्यूजिक एक ऐसा हॉबी है जो हॉबी भी है और स्टडी भी है, सब कुछ है. और ओवरऑल वो मेडिटेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल है मेरे लिए. तो उस तरीके से हॉबी जो चीज़ थी उसमें कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं. nice. और ओवरऑल चल रहा है. इंस्ट्रूमेंट में एस सच कीबोर्ड और गिटार है. आता है पूरा? हाँ, पूरा नहीं आता है, बट आई हैव लर्न बेसिक्स, सो आई वॉन्ट टू ऐड मोर. तो फ्यूचर में शायद ड्रम्स भी सीखना चाहता हूँ, सो दैट आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू द म्यूजिक. सो फादर जी, जैसे मैं पूछना चाह रहा था कि आपका जो सेमिनरी लाइफ था, थोड़ा उसके बारे में अगर आप बताएं कि कैसे ज्वाइन किया आपने, कैसा प्रोसेस ज्वाइन करने का, इजी था या कैसा था, एंड देन थोड़ा डिस्कशन उसके बारे में, एंड मे बी फाइनली आपका ऑर्डिनेशन क्या कहाँ पे हुआ था करके. जैसा कि मैंने बताया, 3 जुलाई 2013 में मैंने माइनर सेमिनरी ज्वाइन किया था. फिर उसके बाद मेरा फिलोसफी और थियोलॉजी बॉम्बे में हुआ, और इंटरव्यू उतना आसान नहीं था, लेकिन मेरे पास बहुत सारे सवाल थे फादर से पूछने के लिए, तो सब क्लैरिफाई करके फिर ही मैंने ज्वाइन किया. तो मुश्किल नहीं था, इवन ज्वाइन करने के बाद भी मुश्किल नहीं था. तो लेकिन जो भी प्रोसीजर है, जो फॉर्मल प्रोसीजर है, वो तो सबको करना पड़ता है, तो उस हिसाब से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ. और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि प्रीस्ट बनना कोई उतना अच्छा कॉल नहीं है, मतलब स्पिरिचुअल सेंस में बहुत अच्छा है, पर सेक्युलर सेंस में क्या होता है कि अरे प्रीस्ट क्यों बन रहा है, कुछ और भी बन सकता था. तो वैसा जो एक आइडिया था वो एक काइंड ऑफ प्रेशराइज हमेशा करता है, पर मेरा खैर बचपन से ही था बनने का, तो मैंने कभी उन चीज़ों की परवाह नहीं की. तो मैं खुश था कि हाँ मैं सेमिनरी में हूँ, और अब और भी ज़्यादा खुश हूँ कि प्रीस्ट बना. 29 जून 2021 संगम विहार पैरिश में मेरा ऑर्डिनेशन हुआ था. आपका? और वो मेरा होम पैरिश है. होम पैरिश था? ओके. तो हमारे होम पैरिश के लिए पहला ऑर्डिनेशन, तो वो भी एक खुशी का मौका था. तो इस तरीके से मेरा पूरा फॉर्मेशन और ऑर्डिनेशन तक का जर्नी रहा है. वेरी नाइस. कई बार कुछ यंगस्टर्स मुझसे बोलते हैं कि शायद अब बहुत लेट हो गया, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता. कई बार ऐसा होता है, तो मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं है, मतलब मैंने भी ग्रेजुएशन करने के बाद, वो मतलब काम करने के बाद फिर मैंने ज्वाइन किया, लेकिन उसमें भी एक एज लिमिट है, लेकिन वो फॉर्मेशन वाले डिसाइड करते हैं, तो वो मैं नहीं बता सकता कि क्या एज है, लेकिन ओवरऑल 25 से पहले पहले अगर आपको लगता है तो आप अपने पैरिश प्रीस्ट से मिलकर उनसे पूछ सकते हैं कि फादर मुझे लगता है कि मैं बनना चाहता हूँ. जो डिसर्नमेंट का जो प्रोसेस है वो करना ज़रूरी है, वो सबके लिए ज़रूरी है. तो वो डिसर्नमेंट होने के बाद फिर आप माइनर सेमिनरी में या आपको अगर कोई कॉन्ग्रीगेशन ज्वाइन करना है तो उनके सुपीरियर से मिलकर, तो अलग अलग होता है. इवन प्रीस्टली मिनिस्ट्री में भी, प्रीस्टली लाइफ में भी, जैसे मैंने डायसिशन ज्वाइन किया, वैसे अलग अलग कॉन्ग्रीगेशन होते हैं, सलीशियंस हैं, जेजुइट्स हैं, पैलोटाइंस हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा कैरिज्म आपको अच्छा लगता है, तो आप उस हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं. एंड आपके साथ कितने ब्रदर्स थे सेमिनारी में, एंड फाइनली कितने पास आउट हुए? मैंने सुना है कि 10% ही बाहर निकलते हैं करके. हाँ, तो ज्वाइन करते थे 10 ही या मे बी 20 ब्रदर प्रीस्ट बन के निकलते, ऐसा मैंने सुना है, बट आपके साथ व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? सो 2013 में मैं जिनके साथ मैंने ज्वाइन किया था, हम लोग 13 थे. अच्छा, 13 थे, बट मेरे पैरिश से मैं अकेला था, बट बाकी सारे जो थे, तो हम लोग 13 थे. 13 में से सिर्फ मैं ही
बनाऊँ, तो बाकी सब लोगों ने मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया था। ओके ओके, तो आई एम श्योर कि उससे पहले भी कम से कम 500 होंगे, उसमें से वो करते करते 13 पहुँचे। हाँ, तो ये प्रोसीजर है, तो जब वो सेमिनरी में आते हैं उसका प्रोसीजर है, फिर सेमिनरी में आने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि अगर आप सेमिनरी में आ गए तो आपको फादर बनना ही है, ऐसा नहीं है। तो इवन फॉर्मेशन का भी जो टाइम है 7 साल 8 साल 10 साल 12 साल, वो प्रोसीजर भी डिसर्नमेंट का ही है। तो पहले डिसर्न करना है कि मुझे सेमिनरी ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। उसके बाद जो हमारी फॉर्मेशन की पढ़ाई होती है, फिलॉसफी पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा सोच विचारते हैं कि जीवन क्या है, जीवन का मकसद क्या है, तो फिर उसके बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो फॉर्मेशन डिज़ाइन इस तरीके से होता है कि वो हमें मदद करता है सोचने में कि हमें पूर्वताई जीवन में आगे बढ़ना है या दूसरे जीवन में आगे जाना है। क्योंकि चाहे पूर्वताई का जीवन हो चाहे वैवाहिक जीवन हो, हमारे लिए दोनों ही संस्कार हैं और दोनों ही बुलाहट हैं। फादर जी, एक और मन में सवाल आ रहा था कि आपका जो सपोर्ट सिस्टम था, जो आप प्रीस्ट बनने की तरफ जा रहे थे या सोच रहे थे आप बनने का, स्पेशली आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर्स, आपके बाकी सिबलिंग्स, जो आपके कजिन्स होंगे, आपके जो फ्रेंड्स होंगे, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, इवन जो आपने जहाँ पर रिज़ाइन किया होगा, आपने कॉर्पोरेट लाइफ में रिज़ाइन दिया होगा, वहाँ पर क्या रिएक्शन था उनको, क्या रिएक्शन था आपका व्हेन यू सेड मुझे प्रीस्ट बनने जाना है करके? तो पहली बात तो घर का रिएक्शन पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था, 50-50। तो मम्मी खुश भी थी और दुखी भी थी क्योंकि बेटा जा रहा है। और भाई लोग भी थोड़े मतलब पहले थोड़े शॉक हुए, बट उनको पता था कि कुछ तो है क्योंकि हम लोग बचपन में प्रीस्ट खेलते थे। अच्छा, पर मैं कभी प्रीस्ट नहीं बनता था, बड़े भैया बनते थे, मैं कभी नहीं बनता था। तो उनको लगता था, लेकिन हमेशा यही होता था कि अगर तुझे बनना है, अगर तू चाहता है, चाहे वो मम्मी पापा हो चाहे वो भाई लोग हो, उनका हमेशा ये रहता था कि अगर तुझे बनना है, तू बनना चाहता है, तो अगर उसमें तेरी खुशी है तो हम तेरे साथ हैं। दोस्तों का जो रिएक्शन था वो काफ़ी अलग सा था। पहला और सबसे ख़तरनाक रिएक्शन, अरे तू फादर बनेगा, शादी नहीं करेगा। तो ज़्यादातर कलीग, दोस्त, कॉलेज, स्कूल वाले, ऑफिस वाले, उनका यही था, शादी के आसपास उनका घूमता था कि अरे प्रीस्ट बन रहा है तो शादी नहीं कर पाएगा, पहला क्वेश्चन, शादी नहीं करते ना, तो उस तरह का क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन हमेशा आता था। बट बाद में जब मैं बन गया, मतलब सेमिनरी में आया और फिर उन्होंने मुझे देखा, और अभी तो खैर प्रीस्ट बनने के बाद पूरा अलग ही एटीट्यूड चेंज हो जाता है, तो उस तरीके का एक्सपीरियंस रहा। सपोर्ट सिस्टम मैं कहूँगा परिवार पहला सपोर्ट सिस्टम, फिर मेरे स्वर्गीय स्पिरिचुअल डायरेक्टर फादर जेरोम, जेसुइट प्रीस्ट, ओके, लास्ट ईयर उनका देहांत हो गया, तो 5 साल वो मेरे स्पिरिचुअल डायरेक्टर थे, स्पिरिचुअली उन्होंने मुझे गाइड किया और मुझे लगता है कि एक पिता के तरह उन्होंने 5 साल मुझे संभाला। तो वो भी एक बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम मेरे रहे। और उसके बाद ऑफकोर्स माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा, तो रोजरी और उनकी जो भक्ति मैं करता था, उन्होंने उनसे भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला, और अल्टीमेटली ईश्वर की इच्छा थी कि मैं पुरोहित बनूँ, तो उनका साथ हमेशा था जो मैंने महसूस किया। और सेमिनरी ज्वाइन करने से पहले भी छोटे छोटे चमत्कार कह सकता हूँ मेरे जीवन में हुए, ओके, और उनके बारे में मैं फिर कभी बताऊँगा, बहुत सारे हैं। और सेमिनरी ज्वाइन करने के बाद 2015 में जब हम लोगों का 1 month रिट्रीट चल रहा था, उस टाइम पे एक मेडिटेशन के दौरान मुझे गॉड एक्सपीरियंस मिला। वाओ, नाइस। तो उसके वजह से मेरा जीवन और भी ज़्यादा बदल गया और मुझे विश्वास होगा कि हाँ, प्रभु ने मुझे बुलाया है अपने कार्य के लिए। तो ऐसे धीरे 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 लोगों से भी सपोर्ट मिला और ईश्वर से भी सपोर्ट मिला। तो आज सो फादर जी, आपका जो जैसे सब खाना सबको अच्छा लगता है, सो डू यू लाइक कुकिंग, डू यू लाइक टू, और एनी फेवरेट फूड यू हैव, इफ यू कैन यू नो थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया, और इफ यू कैन ऑल्सो शेयर अबाउट योर ड्रीम डेस्टिनेशन वेर यू वॉन्ट टू यू नो ट्रैवल, यू वुड लाइक टू ट्रैवल, सो अगर आपको भी कुछ है ऐसा कोई ड्रीम डेस्टिनेशन। कुकिंग का अगर मेरे पापा सुनेंगे तो बहुत नाराज़ होंगे क्योंकि वो शेफ़ हैं, तो कुकिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है, हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभी करने में अच्छा लगता है। और जो मेरा फेवरेट क्विजीन है वो इटालियन है, तो मुझे इटालियन क्विजीन, इटालियन खाना अच्छा लगता है। और ड्रीम डेस्टिनेशन एज सच होली लैंड कहूँगा मैं, क्योंकि वहाँ पर जाने का सपना है अगर कभी जा पाया तो। और बाकी मुझे यूरोप ओवरऑल अच्छा लगता है, तो मे बी लाइक इटली में वेनिस और उस तरफ का जो भी लोकेशन है मुझे बहुत अच्छा लगता है,
और उसके अलावा होली लैंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फादर जी कुछ फाइनली, ये मेरा फाइनल क्वेश्चन है, और आपको यूथ के लिए कुछ, अगर आपको हमारे यूथ के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हो अगर आप। तो पहली बात तो यंगस्टर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन का जो भी मकसद है वो हमेशा तो नहीं एकदम से पता लगता, उसको ढूंढना पड़ता है। पर अगर लगता है कि पुरोहिताई जीवन में जाना है या धार्मिक जीवन में जाना है, प्रीस्ट बनना है या रिलीजियस बनना है, तो उसके लिए हमेशा टाइम है। और टाइम रहते रहते अगर हम हमारे प्रीस्ट से, हमारे सिस्टर्स लोगों से बात करके, डिस्कस करके, जितनी जल्दी हम उस चीज़ को पता करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। और अगर वोकेशन नहीं भी है तो अगर वैवाहिक जीवन के लिए भी जाना है तो उसमें भी बहुत मदद मिलती है। तो कभी ऐसा नहीं सोचना है कि कहाँ जाए, कैसे जाए, तो हमेशा ये इजी है हमारे लिए पता करना। हमारे पैरिश प्रीस्ट और जो भी फादर गन्स हैं या जो भी हमारे जो सिस्टर गन हैं हमारे आसपास, उनसे हम हमेशा पूछ सकते हैं। रही बात मेरा मैसेज, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे मेरा प्रीस्टली मोटो है लव एंड लाइफ। तो प्रेम जो है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि प्रीस्टली लाइफ बोरिंग है, यहाँ पे प्यार की कमी है, फादर हमेशा स्ट्रिक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो पुरोहिताई जीवन भी है वो भी प्रेम और प्यार से ही केंद्रित है। अल्टीमेटली प्रभु यीशु के प्यार को हमें हमारे जीवन द्वारा लोगों को पहुँचाना है। और जैसे कि मेरा मोटो है लव एंड लाइफ, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो स्रोत है, प्रेम का जो स्रोत है और जो जीवन का जो दाता है, वो ईश्वर है। तो हम ईश्वर से बढ़कर कभी नहीं हो सकते, और मैं उनकी जगह नहीं ले सकता, लेकिन उनके उस प्यार को आप लोगों तक बांट सकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय श्री।